इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, बीबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है मनी प्लांट के बारे में है कि इसको हम कैसे जो है बुशी बनाएं, या इसकी जो है कटिंग कैसे जो है 100% इसकी जो है कटिंग को ग्रो करने का जो सक्सेस उसमें हमें कैसे मिले, वही मैं आज आपसे शेयर करूँगी। तो ये देखिए मेरा जो प्लांट है, ये भी मैंने पिछले साल ही कटिंग से ग्रो किया था, और अभी ये देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है। जैसे ही समर सीज़न आया तो बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ है और काफ़ी बड़े बड़े इसके लीव्स हैं। तो कोई मैं इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करती हूँ, यही है कि इसको दिन भर जो है ब्राइट लाइट में रखा है जहाँ धूप नहीं आती, मगर जो दिन भर अच्छी ब्राइट लाइट यहाँ रहती है, और साथ में पानी भी इसको मैं थोड़ा थोड़ा जो है डेली भी दे देती हूँ, कभी कभी दूसरे दिन भी देती हूँ, वो मिट्टी को चेक करके ही होता है। तो ये देखिए कटिंग मैं इसकी कैसे ग्रो करूँगी, वही आज मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आइए देखते हैं मैं कैसे जो है 100% सक्सेस के साथ अपना मनी प्लांट का जो है ग्रो करती हूँ। कैसे हम अपने मनी प्लांट को घना या बुशी बनाएं, तो जैसे ही मैंने इस प्लांट के से जो है कटिंग ली थी, तो जितने भी जो है ब्रांच से मैंने कटिंग ली है, तो वहाँ से जो है एक जहाँ से मैंने कटिंग काटी वहाँ से दो शूट्स निकलेंगी, तो हमारा जो मनी प्लांट है ऑटोमेटिकली ही बुशी बन जाएगा। और ये है सॉइल जिसमें मैं जो है अपनी कटिंग तैयार की हुई जो इसमें लगाऊंगी, और इसमें है 40% तक जो है सॉइल है, और 40% ही तक जो है कोको पीट है, और 20% तक जो है बर्मी कंपोस्ट मैंने डाला है। इसमें मैं ग्रो करूंगी कटिंग। तो ये देखिए मैं आपको कटिंग दिखा रही हूँ जो मैं काट के लाई हूँ अपने प्लांट से, जो स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाया, स्टार्टिंग में जो आपको प्लांट दिखाया उसी से काट के मैं लाई हूँ कुछ कटिंग। और जब आपने प्लांट ग्रो करना है तो इस तरीके की आप जो है कटिंग लीजिए, जिसमें जो है इस तरीके की जो ब्राउन ब्राउन छोटी छोटी जो नोड रहती हैं जहाँ से जो है इसकी रूटिंग होती है, तो इस तरीके की आप जो है कटिंग लीजिए, और उसको जो है कुछ हफ्ते या 10 दिन के लिए जो है आप पानी में रख दीजिए। और पानी में रखने से क्या होता है कि इनकी जो जो ब्राउन ब्राउन कलर की जो नोड आपको दिख रही है, यहाँ से इनकी जो है सफ़ेद कलर की जो रूट्स निकलती हैं, और वहीं से जो है आपका प्लांट न्यू बन जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इनको पानी में रख दिया है, और ये देखिए मैं आपको कुछ कटिंग दिखा रही हूँ जो मैंने 10 दिन पहले काट के रखी थी पानी में, और ये इनमें जो है रूट्स बन गई हैं, वाइट कलर की जो रूट्स होती हैं वो बन गई हैं, जो ब्राउन ब्राउन जो नोड मैंने दिखाया था आपको वहीं से इनकी जो है रूटिंग होती है। तो जितनी भी मैंने 5-6 कटिंग डाली थी पानी में, और सभी में जो है इनकी जो अच्छी रूट बन गई है, और मेरे 5-6 प्लांट जो है मनी प्लांट के तैयार हो गए हैं। और अभी मैं इनको जो है हैंगिंग बास्केट में लगाऊंगी। मेरे पास मनी प्लांट 2-3 गमले में लगे हुए हैं, छोटे छोटे पॉट्स में भी लगे हैं, मगर हैंगिंग बास्केट में मैं अभी लगाना चाहती हूँ। तो ये देखिए मैंने जो है हैंगिंग बास्केट अपनी रेडी रखी है, और अभी मैं जहाँ होल बनाऊंगी और इसमें जो है कटिंग में लगाने वाली हूँ, और वही मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ आपसे। और ये देखिए मेरी हैंगिंग बास्केट है, और अभी मैं जो है एक मेरे पास सीज़र है मेरे हाथ में, उसी से जो है मैं होल बना लूँगी, क्योंकि जो मैंने जो है इसको मिट्टी को पहले से ही मॉइस्ट रखा है, तो इसलिए जो है बहुत आसानी से जो है होल बन रहे हैं। और मैं एक हाथ से ही जो है कटिंग लगाऊंगी, एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, तो इसलिए ये देखिए इस तरीके से जैसे ही मैंने होल बनाया है तो वहाँ तक आपने इसको मिट्टी में डाल देना है जहाँ तक इसकी जो है रूट्स है, और उसको अच्छे से जो है दबा देना है। और मिट्टी को अगर आप पहले गीला कर लेते हैं तो कटिंग जो है बहुत आराम से लग जाती है। और ये देखिए इस तरीके से जो है मैं लगा रही हूँ, और जो जो भी रूट्स बनी हैं उसको बिल्कुल जो है मिट्टी के अंदर डाल देना है। और मेरे पास जो है 6 कटिंग है, और इसी तरीके से जो है 6 ही मैंने होल बनाए हैं, और थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के मैं सारी कटिंग अपनी हैंगिंग बास्केट में लगा रही हूँ, एक तो एक को मैं बीच में लगा रही हूँ। तो इस तरीके से जो है मेरी हैंगिंग बास्केट बहुत ही अच्छी जो है बन जाएगी, घनी भी हो जाएगी, 5-6 कटिंग है। तो ये देखिए इस तरीके से आप इसकी रूट्स थोड़ी लंबी हैं तो मुझे होल भी थोड़ा सा जो है ज़्यादा बनाना पड़ रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से आप जो है इसको आहिस्ता आहिस्ता, मिट्टी जो है बहुत ही सॉफ्ट है, उसमें कोको पीट लगा हुआ है, कोको पीट मैंने मिलाया हुआ है। तो ये देखिए इस तरीके से मेरी जो है सभी जो है लग गई है कटिंग, और अभी मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से सेटल करके पानी दूंगी, और कटिंग को जो है अच्छे से लगाने के बाद मैं थोड़ा सा इनको जो है ऊपर से पानी डाल दीजिए, जो कटिंग की फ्रेशनेस है वो भी बरकरार रहे, और साथ में जो है मिट्टी जो है पहली बार इनकी जो है अच्छे से जो है मॉइस्ट हो जाए, तो फिर जो आपकी कटिंग जल्दी से स्टेबल हो जाएगी और न्यू ग्रोथ इन पर जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है पहली बार अच्छे से जो है पानी दे दीजिए, और फिर इसको रख दीजिए जहां आपने इसको रखना है, क्योंकि मनी प्लांट को तो धूप में रखना ही रखना नहीं है, शेडेड प्लेस में रखना है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जो अच्छे से जो है कटिंग को मैंने लगा दिया है और अच्छे से पानी दे के अभी इसको मैं सेमी शेडेड एरिया में टांग दिया है, जहाँ मैंने इसको रखना है, जहाँ धूप नहीं आती है, दिन भर जो है ब्राइट लाइट रहती है और छाया रहती है। तो इस तरीके से आप भी कर सकती हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।